उसके बाद सेकंड स्टेप हम क्या पढ़ेंगे, जब हम इनके गैमेट के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है कि किस तरीके से एंथर का जो मेल गैमेट बना वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा, उस प्रोसेस को हम समझेंगे। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे इसके बाद फर्टिलाइजेशन। थर्ड हम पढ़ेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आप देखेंगे कि जो गैमेट पिस्टल के पास गया मेल गैमेट, वो किस तरीके से आपस में फ्यूज करके एक नया एम्ब्रियो बनाएंगे। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो भी प्रोसेस होता है उसे पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनी क्या होती है, किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, एम्ब्रियोजेनी पढ़ेंगे। उसके बाद हम सीड के बारे में इसमें पढ़ते हैं कि सीड कैसे डेवलप होते हैं। थर्ड हम पढ़ते हैं फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। एंड ये जो हमारा पॉलिनेशन एंड हमारा रिप्रोडक्टिव वाला टॉपिक होता है, इसे हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में अब देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें, हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा है, फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे, कि फर्टिलाइजेशन से पहले जितना भी प्रोसेस होगा वो हमारा आएगा प्री फर्टिलाइजेशन में, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जितना भी प्रोसेस होगा वो हमारा आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का क्या प्रोसीजर है, एंड पोस्ट का मतलब होता है बाद, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।